हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.8। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स अ फ्यू सेकंड्स टू सप्लाई स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्वड इज 1.7 इंटू 10^-4 डिग्री पर सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन में हम एक हीटिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं नाइक्रोम। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, उसको एक 230 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया है। ड्रॉज एन इनिशियल करंट इज ऑफ कितना है 3.2 एम्पियर विच सेटल्स अ फ्यू सेकंड टू स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, अब हमें पूछा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब आई इनिशियल क्या है हमारा, आई इनिशियल को हम नाम दे देंगे I1। सॉल्यूशन I1 इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 2.8 एम्पियर। ये क्या है फाइनल करंट और ये क्या है इनिशियल करंट। ठीक है, जब हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया होगा सो तब जो हीटिंग एलिमेंट होगा उसका टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर के बराबर। ठीक है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा ना तब वायर हीट अप होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तब क्या होगा करंट कम हो जाएगा यानी कि करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर और T2 फाइनल टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, और अल्फा कितना गिवन है हमें, द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज 1.7 इंटू 10^-4 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा जो होता है ना, अब हमें इसमें क्या बोला है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज 1.7 इंटू 10^-4 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा जो होता है ना वो बहुत कम होता है लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकती है, तो इसलिए क्वेश्चन में एवरेज बोला है कि वो ये पूरा ले लेते हैं। ठीक है, तो अब वोल्ट कितना है, कितने वोल्ट से कनेक्ट किया है हमने 230 वोल्ट। ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू V अपॉन इनिशियल करंट और R2 हो जाएगा V अपॉन फाइनल करंट। ठीक है, तो अब हम वैल्यू, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1+α∆t। तो R2 कितना दिया है, 230/2.8 इज इक्वल टू R1 कितना हो जाएगा V/I फाइनल, तो V कितना हमारा 230/3.2। 1+α कितना गिवन है 1.7 × 10^-4 और टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है तो डेल्टा टी क्या होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड करना है और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3.2 / 2.8 इज इक्वल टू 1+, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3.2 / 2.8। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या आएगा 1+1.7 × 10^-4 T2 − 27। ठीक है, तो अब इस 1 को इधर ले लेंगे तो क्या आएगा 1.142। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख देंगे 1.7 × 10^-4 T final -
जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0.142 इज इक्वल टू, फिर जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो अब T2 हम निकालेंगे, तो जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो कितना आएगा 840 + 27, ये जो 27 है इसको इधर ले लेंगे, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके T2 को यहाँ लिया हमने और ये जो 27 था उसको इधर प्लस कर देंगे क्योंकि ये इधर माइनस में है, तो जब यहाँ ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू के बाद। तो टी फाइनल यानी फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या आएगा 867 डिग्री सेल्सियस, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 867 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.8 एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 3 की।